हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे को आप कैसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इससे आसान तरीका शायद ही आपको कोई मिले और सक्सेस रेट इसमें 100% है। ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया और वो ग्रो नहीं होगी, कुछ सावधानियां हैं, अगर आप वो रखेंगे तो ज़रूर ग्रो होगा। ये देखिए इसका कितना सुंदर फ्लावर होता है। इसके फूल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, नेचुरल प्रोडक्ट होता है स्किन में निखार लाने के लिए, तो उसमें ही इसका अहम रोल होता है। या जैसे आप मेहंदी लगाते हैं बालों में, तो उसमें भी इसके फूल को सुखाकर पाउडर बनाकर आप लगा सकते हैं, कंडीशनिंग का काम करता है ये। चलिए अब इसकी कटिंग को ग्रो करते हैं। ये देखिए हम एक हेल्दी कटिंग लेते हैं इसकी। अब इसको हम ग्रो करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा लीव्स वगैरह हैं उनको हम कट कर देंगे। ये साइज़ इसका परफेक्ट रहेगा ग्रो करने के लिए। अब इसे हम छायादार जगह में रखेंगे और एक दो दिन में हम पानी इसमें और डाल देंगे, क्योंकि पानी कम हो जाता है इसके अंदर। अब ये देखिए एक कटिंग थी जो मैंने अभी 25 दिन पहले ही लगाई थी गुड़हल की। अब उसका रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए रूट्स कितनी हेल्दी डेवलप हुई हैं इसकी। ये देखिए ये आपको नीचे वाले पोर्शन पे वाइट स्पॉट से नज़र आ रहे होंगे। ये क्या होते हैं, जैसे आपने कटिंग पानी के अंदर लगा दी है और उसके लगाने के बाद ये 5-6 दिन के बाद ये वाइट स्पॉट से नज़र आने लग जाते हैं, वो इंडिकेशन होता है कि अब इसमें रूट्स डेवलप होने वाली हैं। ये देखिए इधर से आपको साफ नज़र आ रहा है। इस मेथड से कई प्लांट होते हैं जो इजीली ग्रो हो जाते हैं, जैसे रोज़ कटिंग हमने पहले ग्रो की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसका एक और मेथड होता है, अगर आप इसको बोनसाई की तरह डेवलप करना चाहते हैं तो एयर लेयरिंग मेथड बढ़िया रहता है, उसका लिंक भी आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी से हम यहाँ नीचे ज़मीन में लगा देंगे। और इससे आसान मेथड क्या होगा, जैसे हमने कटिंग ली है और इसे पानी में रख दिया है, हमें दो चीज़ ध्यान रखनी होगी। एक तो एक दो दिन के बाद में पानी थोड़ा कम हो जाता है, उसमें आप दोबारा पानी डाल दें। दूसरा इसको छायादार जगह में रखना है, ताकि धूप में रखेंगे तो क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा और रूट्स ख़राब हो जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।